जहाँ तक आज के टॉपिक की बात है, इट इज़ अबाउट पब्लिक पॉलिसी। और कल हमने देखा इंडियन फेडरेशन के बारे में, हमने बात की इन सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में, या ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी या लोकल गवर्नमेंट के बारे में हमने देखा। और हमने वहाँ पर कार्ल लच का जो सेबरनेटिक अप्रोच था, दैट इज पोलिटिकल कम्युनिकेशन, के बारे में भी हमने थोड़ा सा वहाँ पर देख लिया। जो जहाँ तक पब्लिक पॉलिसी की बात है, पब्लिक पॉलिसी जिसको हमने रिसेंटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा था, ये पॉलिसी क्या होती है? इट इज व्हाट गवर्नमेंट से एंड डू, गवर्नमेंट क्या कहती है फिर करती है या नहीं करती है, ये पॉलिसी होती है। किस हद तक वो अपने वर्ड्स पे कायम रहते हैं और किस हद तक वो किसी टारगेट को हासिल करने कोई पर्टिकुलर पॉलिसी फॉलो करते हैं। तो वो पब्लिक पॉलिसी क्या होती है इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट्स बाय सर्विंग पब्लिक, बाय सर्विंग पब्लिक। तो पब्लिक पॉलिसी में हमने देखा कि बहुत सारे टारगेट्स बहुत सारे एरियाज में होते हैं, बहुत सारे एक्शंस लेती है गवर्नमेंट, सॉर्ट ऑफ एक्शंस एज वेल एज पॉलिसी डिसीजंस इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स, इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स। और वो गोल्स क्या होते हैं? टू सिक्योर, टू सर्व द सोसाइटी, टू सर्व द जनरल पब्लिक, टू सर्व द जनरल पब्लिक। और जहाँ तक कॉन्टेक्चुअल ओरिएंटेशन ऑफ पॉलिसी डिजाइन या पब्लिक पॉलिसी की बात है, सबसे पहले जो फर्स्टली इसका यूज वो है पब्लिक पॉलिसी का, वो आपको ऑलरेडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने बता दिया, हेरोलास्की लास्की के साथ एक और थिंकर था जिन्होंने सबसे पहले इसको यूज किया था 1950s में। और ये जो पब्लिक पॉलिसी है वहां पर हमने देखा, एंड सेम इज द केस हियर, ये जो पब्लिक पॉलिसी है इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। सबसे पहले आपने इसमें क्या देखना है, पब्लिक पॉलिसी आप फ्रेम कब 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 करते हो? जब आपको कभी पर कहीं पर कोई प्रॉब्लम नजर आती है, जब आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप इन पब्लिक पॉलिसी। तो जो ये साइक्लिक प्रोसेस है पब्लिक पॉलिसी, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद आप एजेंडा सेटिंग करते हो, एजेंडा बनाते हो, प्रोग्राम्स पॉलिसीज बनाते हो, और फिर उन पॉलिसीज को आप क्या करते हो, उनको आप फॉर्मुलेट करते हो। जब आप उनको बहुत सारे, जब आप आपस में अपनी कैबिनेट के साथ अपनी टीम के साथ बैठते हो, कॉन्सिक्वेंसेस ये कॉन्सेंसस करते हो, एग्रीमेंट करते हो, आप देखते हो कि बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। डाइवर्स टीम जो आपका होता है, एक्सपर्ट्स जो डिफरेंट होते हैं आपके डिफरेंट एरियाज के, वो आपको बहुत सारे सजेशन देते हैं, और उन सजेशन में आप बेस्ट वाले चूज करते हो और उनको फॉर्मुलेट करते हो, उनको आप फॉर्मुलेट करते हो। जैसे हमने वहां पर देखा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, फाइंडिंग सोल्यूशन, तो फाइंडिंग सोल्यूशन में बहुत सारे आपको मिलते हैं, आप उसमें बेस्ट वाला चूज करते हो, फिर उसका आप इम्पैक्ट देखते हो। तो इसी तरह यहाँ पर भी है, सबसे पहले आप क्या करते हो, आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होती है, उसके बाद एजेंडा सेटिंग, दैट मीन्स फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। तो पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के बाद यू हैव टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर पॉलिसी, यू हैव टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर पॉलिसी। जब आप एक पर्टिकुलर पॉलिसी को अडॉप्ट करते हो, उसके बाद उस पॉलिसी को अडॉप्ट करने के बाद इम्प्लीमेंट ग्राउंड फील्ड में करते हो, ग्राउंड लेवल पे करते हो, प्रैक्टिकल में करते हो, और उसके बाद उसके आप नताइज, कंसिक्वेंसेस या इफेक्ट्स या इवाल्वेशन करते हो। इवाल्वेट आप क्या करते हो कि किस हद तक हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और किस हद तक इसके एडवांटेजेस हुए हैं, इसको हमने मुकम्मल तौर पे इससे छुटकारा पाया, या स्टिल द प्रॉब्लम इज स्टिल देयर, द प्रॉब्लम इज स्टिल देयर। तो इस साइक्लिक प्रोसेस में इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले जैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद सोल्यूशन ढूंढना, फिर बेस्ट वाले सोल्यूशन को चूज करना, उसके बाद उसको ग्राउंड फील्ड में इंप्लीमेंट करना, और उसके बाद एंड पे इवेलुएट करना। अब अगर आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाती है, वो आपको इवेलुएशन से पता चलेगा, तो आपका जो फीडबैक आएगा वो पॉजिटिव आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद ये जो पॉलिसी इवेलुएशन होती है, एक और स्टेप इसमें है पब्लिक पॉलिसी में, उसको हम कहते हैं पॉलिसी इवेलुएशन। पॉलिसी इवेलुएशन जैसे मैंने आपको बता दिया, पॉलिसी इवेलुएशन में हम देखते हैं कि किस हद तक हमने पॉलिसी पर क्या किया, किस हद तक हमने पॉलिसी पे छुटकारा हासिल किया, किस हद तक हमने एक प्रॉब्लम पे छुटकारा हासिल किया एक पर्टिकुलर पॉलिसी को फॉलो करके, एक पर्टिकुलर पॉलिसी को फॉलो करके। तो पॉलिसी इवेलुएशन में हम यही इम्पैक्ट देखते हैं, इवेलुएट करते हैं, जिस तरह एक मार्क, एक पेपर को हम इवेलुएशन करते हैं, उसके मार्क्स देते हैं, या तो वो फेल हो जाते हैं या तो वो पास हो जाते हैं। इसी तरह एक पॉलिसी को फॉलो करके, एक पॉलिसी को फॉलो करके एक प्रॉब्लम के लिए हम एंड पे देखते हैं कि आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस वेरी पॉलिसी नाउ वी आर इवाल्वेटिंग इट। तो जब हम इवाल्वेट उसको करते हैं, हम उसको देखते हैं कि किस हद तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, किस हद तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। दैट इज मेजरिंग एंड एनालाइजिंग रिजल्ट, मेजरिंग
एंड एनालाइजिंग रिजल्ट्स, उसमें आउटपुट भी आता है और उसमें आउटकम भी आता है, उसमें आउटपुट भी आता है और आउटकम भी आता है। जहां तक आउटकम्स की बात है, आउटकम्स और आउटपुट्स ये दोनों इंटर रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आउटकम्स आर वट बिजनेस वॉन्ट्स, आउटकम्स आर वट बिजनेस वॉन्ट्स आर नीड्स टू अचीव। एक बिजनेस क्या चाहती है, वट बिजनेस वॉन्ट्स आर वट बिजनेस वॉन्ट्स टू अचीव, वो आउटकम्स होते हैं, वो आउटकम्स होते हैं। अब आउटपुट्स क्या होते हैं, आउटपुट्स आर एक्शंस और आइटम्स, आउटपुट्स एक्शंस होते हैं या आइटम्स होते हैं दैट कंट्रीब्यूट टू अचीवमेंट ऑफ एन आउटकम, दैट कंट्रीब्यूट टू अचीवमेंट ऑफ एन आउटकम। तो एक आउटकम को हासिल करने के लिए हम कुछ आउटपुट्स लगाते हैं, हम कुछ आउटपुट्स लगाते हैं, दैट मीन्स हम कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, हम कोई पॉलिसी फॉलो करते हैं या हम कुछ एक्शंस फॉलो करते हैं, हम कुछ एक्शंस फॉलो करते हैं। तो ये पॉलिसी और ये एक्शन जो है, इट इज आउटपुट, इट इज आउटपुट, और इसका जो रिजल्ट आता है दैट इज आउटकम, दैट इज आउटकम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आउटपुट्स की बात करेंगे तो दीज आर इजली मेजरेबल इफेक्ट्स ऑफ अ पॉलिसी। तो आउटपुट्स होते हैं इजली मेजरेबल इफेक्ट्स ऑफ अ पॉलिसी और इमीडिएट मेजरेबल इफेक्ट्स ऑफ अ पॉलिसी, तो वो आउटपुट्स होते हैं। अब यहाँ पर आउटकम्स क्या होते हैं, अल्टीमेट चेंजेस, जो आपने पॉलिसी, जो इमीडिएट पॉलिसी आपने फॉलो की है, इसने कौन सी तब्दीलियाँ लाई है, तो इमीडिएट चेंजेस दैट अ पॉलिसी जिसको हमने फॉलो किया है विल यील्ड, अल्टीमेट चेंजेस, इमीडिएट चेंजेस दैट अ पॉलिसी विल यील्ड, वो होते हैं आउटकम्स, वो होते हैं आउटकम्स। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्ट्रीट्स, in order to maintain law and order in the streets, the policy has been framed to increase the number of police forces, to increase the number of police forces. To jo aapne ye initiative liya hai, ye policy li hai to increase the number of police forces, that is output, that is output, that is action, you are taking that very action, increasing number of policemen in order to maintain law and order situation in the streets. To aapne wo output liya hai, kya liya hai, output liya hai. Ab kis had tak ye law and order uske baad strengthen hota hai, kis had tak wahan peace maintain rehta hai, that will be outcome, that will be outcome. To outcome aur output ek policy mein bade interrelated rehte hain. To policy evaluation mein sabse important ye rehta hai, measuring and analyzing of results, measuring and analyzing of रिजल्ट्स, उसमें आउटपुट एंड आउटकम आता है और इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी रहता है, इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी रहता है। इसके अलावा हमने इसमें यह भी देखना होता है पॉलिसी वैल्यूएशन में, असेसिंग द मेरिट, वर्थ, कंसिक्वेंसेस एंड यूटिलिटी ऑफ अ पॉलिसी। एक पॉलिसी को हमने फॉलो किया, इसके असरात क्या रहे, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, वेदर अवर प्रॉब्लम हैज एब्सोल्युटली बीन सॉल्वड और स्टिल इट इज लैगिंग बिहाइंड टू सम एक्सटेंट, टू अ लिटिल एक्सटेंट, कुछ अभी भी बाकी है, कुछ अभी भी करना बाकी है। तो कंसिक्वेंसेस हमने देखने हैं, इसके असरात क्या रहते हैं, वेदर जो पॉलिसी हमने फॉलो की है एक पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप के लिए, एक पर्टिकुलर टारगेट ऑब्जेक्ट के लिए हमने ये फॉलो की है, वेदर हमने वो टारगेट अचीव किया है या इसके वजह से बाकी टारगेट्स या बाकी एरियाज पे कोई असर तो नहीं पड़ा, दैट इज कंसिक्वेंसेस इज यूटिलिटी ऑफ ए पॉलिसी। इस पॉलिसी को यूटिलाइज करने में, फॉलो करने में हमें कौन सा एडवांटेज हुआ, हमें कौन सा बेनिफिट हुआ, वेदर वर प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्वड फुली और पार्शियली। तो ये हम पॉलिसी इवैल्यूएशन में देखते हैं। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन, टाइप्स ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन में आती है सबसे पहला जो है वो है फॉर्मल इवैल्यूएशन। फॉर्मल इवैल्यूएशन में आता है इवैल्यूएटिंग रूटीन टास्क्स, बजट, प्रोसीजर ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। इसमें इवैल्यूएटिंग रूटीन टास्क्स, रोजमर्रा आप एक डिपार्टमेंट में एक पॉलिसी को फॉलो करते हुए किन चीज़ों पर स्ट्रेस करते हो, रूटीन टास्क्स, इस पॉलिसी के रिलेटेड आपने कौन से इनिशिएटिव्स अभी तक फॉलो किए हैं, बजट, आपका एक्सपेंडिचर क्या रहा है, प्रोसीजर ऑफ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, आप इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल करते हो। या दूसरा जो है, तो पहला टाइप है पॉलिसी इवैल्यूएशन का फॉर्मल इवैल्यूएशन, ऑफिशियल इवैल्यूएशन, जो प्रोसीजर्स होते हैं कौन से फॉलो अप करते हो तो फॉर्मल इवैल्यूएशन वो होती है। दूसरा होता है टारगेट ग्रुप सेटिस्फेक्शन इवैल्यूएशन, टारगेट ग्रुप सेटिस्फेक्शन इवैल्यूएशन, टारगेट ग्रुप सेटिस्फेक्शन इवैल्यूएशन में आता है आपने सर्वे करना होता है टू असेस सेटिस्फेक्शन ऑफ द टारगेट ग्रुप। आप सर्वे यहाँ पर करते हो, एक पर्टिकुलर पॉलिसी आपने एक पर्टिकुलर टारगेट के लिए फॉलो की है, अब आप यहाँ पर क्या करते हो, जो वो टारगेट ग्रुप है, वेदर ये जो पॉलिसी आपने फॉलो की है, इवैल्यूएट करते हो कि वो टारगेट ग्रुप सेटिस्फाई हुआ है कि नहीं, वो गोल हमने अचीव हुआ है कि नहीं। तो वो दूसरा टाइप होता है पॉलिसी इवैल्यूएशन का, दैट इज टारगेट ग्रुप सेटिस्फेक्शन इवैल्यूएशन, टारगेट ग्रुप सेटिस्फेक्शन इवैल्यूएशन, वो दूसरा टाइप होता है पॉलिसी इवैल्यूएशन का। और तीसरा होता है यहाँ पर आउटपुट आउटकम इवैल्यूएशन, आउटपुट आउटकम
वेशन, जैसे मैंने अभी बता दिया कि आउटपुट क्या होता है, ये एक्शंस होते हैं, और आउटकम क्या होता है, आउटकम होता है इन एक्शंस का रिजल्ट, इन एक्शंस का रिजल्ट, एक्शंस का रिजल्ट वो आउटकम होता है, और आउटपुट होता है जो आप प्रोग्राम्स, पॉलिसीज या एक्शंस फॉलो करते हो। तो तीसरा टाइप है पॉलिसी इवैल्यूएशन का, आउटपुट आउटकम इवैल्यूएशन, आउटपुट आउटकम इवैल्यूएशन। उसमें आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो या मेजर करते हो आउटपुट क्या था, तो आउटकम क्या आ गया, आउटपुट क्या था और आउटकम क्या आ गया। उसको आप इसके साथ भी कंपेयर करते हो, फॉर एग्जाम्पल जो आपका टारगेट रहता है, वेदर आपने वो टारगेट अचीव किया है, कंपेयरिंग योर आउटपुट्स एंड आउटकम्स विद इंटेंडेड आउटपुट एंड आउटकम। जो आपका टारगेट था, इंटेंशन जो आपका था कि हमने इस पॉलिसी को, इस आउटपुट को फॉलो करके हमने ये आउटकम हासिल करना है, आपने उसके बाद कंपेयर करना है कि सच में हमने ये आउटकम हासिल हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमें पूरी तरह से हासिल हुआ है या इसकी वजह से बाकी एरियाज पे असर हुआ है। तो आप क्या करते हो, जो तीसरा टाइप है पॉलिसी इवैल्यूएशन का, आउटकम एंड आउटपुट इवैल्यूएशन, उसमें आप आइडेंटिफाई और मेजर करते हो आउटपुट और आउटकम क्या रहा, जो हमने आउटपुट इनिशिएट किया, एक्शन इनिशिएट की, उसका नतीजा क्या आ गया, आउटकम उसका क्या आ गया। इसके अलावा आप उसका कंपेयर भी करते हो कि इसका कंपेयर इस लिहाज से करते हो कि हमने टारगेट क्या था, हमारा इंटेंशन क्या था आउटकम के लिए, और हमारा इंटेंशन अगर ये था 100% हासिल करने का, 90% ही क्यों आ गया, 90% ही क्यों आ गया, वो भी आप इसमें कंपेयर करते हो। तो ये तीसरा मेथड है पॉलिसी इवैल्यूएशन का, आउटपुट एंड आउटकम इवैल्यूएशन। और चौथा रहता है एक्सपेंसेस का, एक्सपेंसेस और इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, एक्सपेंसेस और इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन। इसमें मनी की बात आती है, मोनेटाइजेशन की बात आती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आपने इतना कॉस्ट लगाया है तो बेनिफिट आपका क्या हुआ है, तो आपकी मोनेटाइजेशन यहाँ पे शुमार की जाती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आपके एक्सपेंसेस क्या रहे हैं और आपके जितने एक्सपेंसेस हुए हैं क्या उस हिसाब से आपका इम्पैक्ट इस पे इफेक्ट रहा है, क्या उस लिहाज से आपने आउटकम हासिल किए हैं जिस लिहाज से आपने इस पे इन्वेस्ट किया है, जिस लिहाज से आपने इस पे इन्वेस्ट किया है, खर्चा किया है। तो एक्सपेंसेस और इफेक्टिवनेस यहाँ पे देखी जाती है, ये चौथा मेथड है पॉलिसी इवैल्यूएशन का। और जो पांचवा मेथड आता है पॉलिसी इवैल्यूएशन का, वो होता है इवैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस, इवैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, इम्पैक्ट असेसमेंट ऑन कोर प्रॉब्लम्स, इम्पैक्ट या असेसमेंट आप देखते हो ऑन कोर प्रॉब्लम्स, जो मेन प्रॉब्लम्स थी उनको आप देखते हो कि वो यहाँ पर क्या हो गई है, वो हमने जिनके लिए हमने ये प्रॉब्लम, जिनके लिए हमने ये आउटकम्स, आउटपुट्स या पॉलिसीज फॉलो की है, जो मेन प्रॉब्लम्स थी, हमने उन पे छुटकारा पाया कि नहीं, हमने उनको सॉल्व किया या नहीं, वो आप देखते हो। इसके अलावा आप दूसरा इसमें ये भी देखते हो, जनरल पीपल अदर देन टारगेट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए आपने एक एरिया, एक टारगेट था, लेकिन आपने उसमें जब आप इवाल्यूशन ऑफ लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेज आता है, उसमें आप सिर्फ टारगेट ग्रुप नहीं देखते हो, उसमें आप देखते हो जनरल पीपल या जनरल एरियाज पे भी कौन सा इम्पैक्ट रहा पॉलिसी का, जनरल एरियाज पे कौन सा इम्पैक्ट रहा पॉलिसी का या जनरल पीपल पे कौन सा रहा पॉलिसी का, सिर्फ टारगेट ग्रुप आप नहीं देखते हो। तो वो होता है इवाल्यूशन ऑफ लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेज, इवाल्यूशन ऑफ लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेज। तो अदर अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेज भी यहाँ देखे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेज भी आप यहाँ पर देखते हो। तो मतलब आपका यहाँ पर ये है, अगर आप एक पर्टिकुलर पॉलिसी फॉलो करते हो तो आपको इंटेंशन है कि पॉलिसी हम किस चीज के लिए फॉलो करते हैं, इसका कंसिक्वेंस क्या रहेगा और इसका जो अचीवमेंट होगा वो क्या रहेगा, या आपके इंटेंशन माइंड में है कि ये पॉलिसी हम इस चीज के लिए फॉलो करते हैं। लेकिन आप जब इवाल्यूशन ऑफ लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस करते हो तो आप वहां पर टारगेट ग्रुप के बगैर बाकी ग्रुप्स पे भी इसका असर देखते हो। और इसके अलावा जो आपका इंटेंशन था एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, एक पर्टिकुलर कंसिक्वेंसेस के लिए, लेकिन यहाँ पर आप क्या करते हो, अदर अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस भी होते हैं यहाँ पे, वो आप इवाल्यूएट करते हो, वो आप इवाल्यूएट करते हो। तो ये थे टाइप्स ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन। उसके बाद आते हैं एरिनाजा पॉलिसी इवैल्यूएशन। एरिनाजा पॉलिसी इवैल्यूएशन मतलब इंस्टीट्यूट्स, अगर हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गन्स या एक्टर्स ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन। पॉलिसी इवैल्यूएट कौन लोग करते हैं, पॉलिसी इवैल्यूएट कौन लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे इंटरनल एंड एग्जीक्यूटिव इवैल्यूएशन, सबसे पहला होता है इंटरनल एंड एग्जीक्यूटिव इवैल्यूएशन। अगर हम इंटरनल और एग्जीक्यूटिव इवैल्यूएशन में देखेंगे तो इसमें होता है अप्राइजल ऑफ प्रोग्राम्स, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स होता है यहाँ पर। तो बहुत सारी स्कीम्स होती है अंडर एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस, बहुत सारी स्कीम्स लाई जाती है डिफरेंट सेक्टर्स में,
तो जो यहाँ पर एजेंसीज ये होती हैं इनको एग्जीक्यूट करने के लिए, इनको फ्रेम आउट करने के लिए, इनको फॉर्मुलेट करने के लिए, जैसे इंडिया में पहले था प्लानिंग कमीशन, जैसे इंडिया में पहले था प्लानिंग कमीशन, तो एग्जीक्यूटिव इवाल्यूएशन के लिए, इंटरन इवाल्यूएशन के लिए जैसे प्लानिंग कमीशन पहले था, या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है। तो प्लानिंग कमीशन को अब इस वक्त रिप्लेस किया किसने, 2015 से उसको रिप्लेस किया नीति आयोग ने। तो नीति आयोग इस वक्त एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जहां तक प्लानिंग की बात है, पॉलिसीज इवेल्युएशन या इफेक्ट, एग्जीक्यूटिव इवेल्युएशन या इंटरनल इवेल्युएशन की बात है। तो इंटरनल और एग्जीक्यूटिव इवेल्युएशन जो है, इसमें अप्राइजल ऑफ प्रोग्राम्स आता है, स्कीम्स अंडर एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस आती हैं, तो बहुत सारे स्कीम्स अंडर एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस आते हैं, तो यहाँ पर रोल रहता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी यहाँ पर रोल रहता है, और एजेंसीज लाइक नीति आयोग का भी यहाँ पे रोल रहता है। और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव इवेल्युएशन। लेजिस्लेटिव इवेल्युएशन जब हम कहते हैं तो उसमें जो बात होती है वो होती है, चाहे वो अगर सेंटर की पॉलिसी की हम बात करेंगे तो वहाँ ये पॉलिसी मेकर जो होते हैं वो कहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर लेजिस्लेशन कहाँ पर होती है, तो वो पार्लियामेंट में होती है, तो पार्लियामेंट का यहाँ पर रोल रहता है, और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर का रोल रहता है। इसके अलावा कैबिनेट का रोल यहाँ पर रहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रोल रहता है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज का यहाँ पर रोल रहता है, और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स लाइक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या असेंबलीज में अगर हम देखेंगे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इन सब का यहाँ पर रोल रहता है जहां तक एक पॉलिसी के लेजिस्लेटिव इवैल्यूएशन की बात है, लेजिस्लेटिव इवैल्यूएशन की बात होती है। इसके बाद यहाँ पर ऑडिट की भी बात होती है, और ऑडिट के रिलेटेड एक तो पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, और दूसरा केज, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो लेजिस्लेटिव इवैल्यूएशन में एक तो पार्लियामेंट आता है और दूसरा इसका ऑडिट भी आता है। तो पार्लियामेंट में एक तो इसके मेंबर्स भी आते हैं, रूलिंग गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, काउंसिल मिनिस्टर्स या कैबिनेट या कमिटीज जैसे स्टैंडिंग कमेटी, ये होते हैं, ये भी आते हैं पार्लियामेंट में जहां तक लेजिस्लेटिव इवैल्यूएशन की बात है। और जब पार्लियामेंट में ये लेजिस्लेटिव इवैल्यूएशन की बात होती है तो वहां पर जब ऑडिट की बात की जाती है तो ऑडिट के रिलेटेड दो चीजें वहां पर आती हैं, एक आती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, और दूसरा आता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG, आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151। इसके अलावा यहाँ पर लीडरशिप का भी रोल रहता है, पॉलिटिकल लीडरशिप का रोल रहता है, और पॉलिटिकल पार्टीज का भी रोल रहता है, चाहे वो रूलिंग पार्टीज हो या अपोजिशन पार्टीज, तो ये चाहे वो ऑडिट की बात हो, पॉलिटिकल पार्टीज की बात हो, लीडरशिप की बात हो, या पार्लियामेंट ऑफिशियल्स की बात हो, ये सारे शुमार आ जाते हैं एक पॉलिसी के लिए कहाँ पर, लेजिस्लेटिव इवाल्यूएशन में, लेजिस्लेटिव इवाल्यूएशन में। उसके बाद हो जाती है एक्सपर्ट इवाल्यूएशन, एक्सपर्ट इवाल्यूएशन। तो पहली थी एरिना जो पॉलिसी इवाल्यूएशन के थे, पहला था एग्जीक्यूटिव या इंटरनल इवाल्यूएशन, दूसरा था लेजिस्लेटिव इवाल्यूएशन, और तीसरा इसमें आता है एक्सपर्ट इवाल्यूएशन। एक्सपर्ट इवाल्यूएशन में आते हैं पॉलिसी एक्सपर्ट्स, फॉर एग्जांपल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एकेडमिशियंस का ज्यादा रोल रहता है, जिनका ब्रॉड ये विजन होता है जहाँ तक एजुकेशन सेक्टर की बात है, पॉलिसीज के रिलेटेड, UGC कैसा होना चाहिए, रिक्रूटमेंट के लिए कौन सी पॉलिसीज हमने फॉलो करनी है, कौन सा एग्जाम कैसे हमने कंडक्ट करना है। और इसके अलावा अगर एक्सपर्ट इवैल्यूएशन की बात करेंगे तो पॉलिसी एक्सपर्ट्स जो होते हैं, अगर हम फाइनेंशियल मैटर में देखेंगे, फाइनेंसिस के रिलेटेड इकोनॉमिक सेक्टर में देखेंगे, तो वहां पर किस एक्सपर्ट को लिया जाता है, जिसने इकोनॉमी देखी होगी, या इसमें एनजीओज का भी रोल रहता है। जहां तक एक्सपर्ट इवैल्यूएशन की बात है, यहाँ पर एनजीओज का भी रोल रहता है, पॉलिसी एक्सपर्ट्स के साथ साथ एकेडमिक्स का रोल रहता है, और इंस्टीट्यूशंस का भी रोल रहता है, पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस का भी रोल रहता है, वो इंस्टीट्यूशन जो पॉलिसी फ्रेम आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट या जो होम मिनिस्ट्री है वो होम डिपार्टमेंट के रिलेटेड पॉलिसीज बनाते हैं, या कोई और मिनिस्ट्री अपने डिपार्टमेंट के रिलेटेड पॉलिसीज बनाते हैं, तो वो पॉलिसी इंस्टीट्यूशन का भी यहाँ पे रोल रहता है जहाँ तक एक्सपोर्ट इवाल्यूशन की बात है, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक कमीशन आते हैं, जो स्पेसिफिक कमिश्नर्स होते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया में अगर स्पेसिफिक कमिश्नर्स को हम देखेंगे तो वहां पर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, चाहे वो 1966 की बात थी या 2005 के बाद पुची कमीशन की बात है, तो ये सारे आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर्स में, ये स्पेसिफिक कमिश्नर्स होते हैं, तो एक्सपोर्ट इवाल्यूएशन में एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन भी आएंगे, इसमें पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे, इसमें पॉलिसी एक्सपर्ट्स भी आएंगे, उसमें एनजीओज के साथ साथ एकेडमिक्स भी आएंगे, एकेडमिशियंस भी आएंगे। तो ये वो एरियाज हैं जो, ये वो इंस्टीट्यूशंस या एक्सपर्ट्स या एनजीओज होते हैं जो कहाँ पर आते हैं,
एक पॉलिसी के रिलेटेड एक्सपोर्ट इवैल्यूएशन की जब बात होती है, एक्सपोर्ट इवैल्यूएशन की जब बात होती है, तो एक्सपोर्ट्स में पॉलिसी एक्सपोर्ट्स आते हैं, एनजीओज आते हैं, एकेडमिशियंस आते हैं, इसमें पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, और इसमें स्पेसिफिक कमिश्नर्स लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर्स कमीशन भी आते हैं। इसके अलावा एरिना पॉलिसी इवैल्यूएशन में एंड पे जो रोल रहता है वो रहता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, जो कल हमने देखा उसमें जो रोल रहता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का, जो ब्रिज की मानंद होती है, कनेक्टिंग पब्लिक विद द गवर्नमेंट, कनेक्टिंग पीपल विद द सिस्टम, कनेक्टिंग सिटीजन विद द गवर्नमेंट, वो होता है मीडिया, वो होता है मीडिया। एक पर्टिकुलर पॉलिसी के रिलेटेड रोल ऑफ मीडिया क्या रहता है, रोल ऑफ मीडिया क्या रहता है, वेदर गवर्नमेंट हैज सक्सेसफुली यूज दिस पॉलिसी, यूटिलाइज दिस पॉलिसी एंड अचीव द गोल कम्प्लीटली आर नॉट, मीडिया इसको हाईलाइट करती है। और अगर गवर्नमेंट सक्सेसफुल रहती है तो लोगों से फीडबैक जो आता है वो मीडिया के थ्रू कहाँ तक कम्युनिकेट हो जाता है, वो गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी वहां पे क्या रहती है वो मीडिया यानी प्रिंट मीडिया में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ही गवर्नमेंट से कम्युनिकेट हो जाती है, कहाँ तक कम्युनिकेट हो जाती है, पब्लिक तक वो कम्युनिकेट हो जाती है। तो ये थे एरिना ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन। तो एरिना पॉलिसी इवैल्यूएशन में आते हैं चार, एक तो आता है इंटरनल एंड एग्जीक्यूटिव इवैल्यूएशन जिसमें नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आते हैं, दूसरा इसमें आता है एरिना लेजिस्लेटिव इवैल्यूएशन जिसमें पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के ऑफिशियल्स, ऑडिट यानी CAG और पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, पॉलिटिकल पार्टीज और लीडरशिप का रोल रहता है, और तीसरा एरिना इसमें आता है एक्सपोर्ट इवैल्यूएशन जिसमें एक्सपोर्ट्स होते हैं, एनजीओस होते हैं, एकेडमिशियंस होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर्स कमीशन होते हैं, और एंड पे रहता है रोल ऑफ मीडिया, एंड पे होता है रोल ऑफ मीडिया। उसके बाद होते हैं मेथड्स ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन, मेथड्स ऑफ एंड पे होते हैं मेथड्स ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन। जहां तक मेथड्स ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन होते हैं वहां पर होता है सबसे पहला जो मेथड होता है वो होता है काउंटर फैक्चुअल मेथड, काउंटर फैक्चुअल मेथड। काउंटर फैक्चुअल मेथड में देखा जाता है बिजनेस एज यूजुअल एंड बिजनेस अंडर पॉलिसी, इन जनरल बिजनेस विदाउट पॉलिसी कैसे जा रहा है, बट व्हाइल फ्रेमिंग अ पर्टिकुलर पॉलिसी बिजनेस कैसा हुआ, क्या तब्दीली आई है, वेदर चेंज हैज रिजल्टेड और नॉट by following a policy and before following the policy how is the business was going and while following a particular policy how your business is going now। तो वहां पर वो काउंटर फैक्चुअल मेथड होता है, तो वो पहला मेथड है। जैसे हम मेथड्स ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो इसमें काउंटर फैक्चुअल मेथड आता है, बिजनेस एज यूजुअल या बिजनेस अंडर पॉलिसी या बिजनेस अंडर पॉलिसी, तो इनका आप कंपैरिजन करते हो काउंटर फैक्चुअल मेथड में। उसके बाद आप मेजरिंग रिजल्ट्स करते हो, मेजरिंग रिजल्ट्स में फिर वही बात हुई जो आउटपुट्स और आउटकम्स की थी। जैसे मैंने आउटपुट्स में बता दिया, आप एक एक्शन फॉलो करते हो, इस एक्शन को जब आप फॉलो करते हो ये आपका आउटपुट रहता है, और आपका जो आउटकम है वो क्या है, इस एक्शन को फॉलो करने के बाद आपने क्या अचीव किया, इस एक्शन को फॉलो करने के बाद आपने क्या अचीव किया, दैट इज आउटकम। तो जैसे मैंने आउटपुट में बता दिया, आउटपुट में आप एक पॉलिसी फॉलो करते हो, आप एक पॉलिसी बनाते हो, आप कुछ एक्शंस लेते हो, जैसे मैंने एग्जांपल दे दी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पुलिस फोर्सेस इन स्ट्रीट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द लाइन ऑर्डर, इन ऑर्डर टू मेंटेन द लाइन ऑर्डर, वो आप एक आउटपुट लेते हो, आप एक आउटपुट लेते हो, तो आउटकम इसका क्या रहता है कि किस हद तक वहां लाइन ऑर्डर या पीस मेंटेन रहा, वो आपका आउटकम रहता है, वो आपका आउटकम रहता है। तो वो होता है यहाँ पर मेथड्स ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन में मेजरिंग रिजल्ट्स, मेजरिंग रिजल्ट्स। तो इसमें आउटपुट वर्सेस आउटकम आता है, इफिशंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस आती है, किस हद तक एक पॉलिसी को फॉलो करने में फॉलो करने के बाद आपने एब्सोल्युटली प्रॉब्लम को सॉल्व किया है या इसके इफेक्टिवनेस कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे। तो आउटपुट वर्सेस आउटकम यहाँ पर आप देखते हो, इफिशियंसी या कॉन्सिक्वेंसेस या इफेक्टिवनेस भी आप यहाँ पर मेजरिंग रिजल्ट्स में देखते हो। उसके बाद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जैसे वहां पर भी हमने देखा था मनी की बात जब आती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आता है, ये भी आता है मेथड ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन में। इसमें आप देखते हो रेशो ऑफ कॉस्ट एंड मोनेटाइज्ड बेनिफिट्स, रेशो ऑफ कॉस्ट एंड मोनेटाइज्ड बेनिफिट्स, यानी आउटकम क्या रहता है, रेशो ऑफ कॉस्ट क्या था और आउटकम आपका क्या रहा, क्या उस हद तक आपने आउटकम हासिल किया या नहीं, तो वो आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में देखते हो। इसके बाद एक और मेथड आता है एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स, तो यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करते हो। एक्सपेरिमेंट मेथड्स में क्या आता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में आता है ऑब्जर्वेशन ऑन सैंपल ऑफ टारगेट एंड नॉन टारगेट ग्रुप्स, ऑब्जर्वेशन ऑन सैंपल ऑफ टारगेट एंड नॉन टारगेट ग्रुप्स। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड में आप देखते हो एक पॉलिसी जब आप फॉलो करते हो, क्या इस पॉलिसी को फॉलो करने में ये पॉलिसी हमने
एजुकेशन सेक्टर के लिए फॉलो की थी। फॉर एग्जांपल, तो एजुकेशन सेक्टर के लिए जब आप ये पॉलिसी फॉलो करते हो, तो एजुकेशन सेक्टर में जब ये पॉलिसी आप फॉलो करते हो, आप इसका देखते हो, एक तो एजुकेशन सेक्टर में कितना हमें अचीवमेंट हुआ है, किस हद तक हमने इम्प्रूवमेंट हासिल की है, और दूसरा तो ये टारगेट था आपका एजुकेशन सेक्टर, तो वो था एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो टारगेट ग्रुप है वो है आपका एजुकेशन सेक्टर। तो एजुकेशन सेक्टर में एक पॉलिसी आप जब फॉलो करते हो, तो किस हद तक आप सक्सेसफुल हुए, किस हद तक आप नाकाम हुए, अपने एब्सोल्युटली सक्सेस हासिल की या थोड़ी बहुत रहा अभी, तो ये आप देखते हो एजुकेशन सेक्टर में, तो वो आपका टारगेट ग्रुप है। इसके बाद यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मेथड में आप देखते हो नॉन टारगेट ग्रुप्स भी। एक एजुकेशन सेक्टर में जो आपने पॉलिसी फॉलो की, इसका इकोनॉमिक या फाइनेंशियल सेक्टर्स पे कौन सा असर रहा, इसका फाइनेंशियल सेक्टर पे, इकोनॉमिक सेक्टर पे कौन सा असर रहा। तो टारगेट आपका एजुकेशन सेक्टर था, लेकिन आपने कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं बाकी टारगेट ग्रुप्स, बाकी नॉन टारगेट ग्रुप्स को भी आपने देखना है। तो वो होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड, वो किस में आता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड में। उसके बाद आप सर्वेज करते हो, एक और मेथड है जिसमें आप सर्वेज करते हो। ये सर्वेज आप करते हो जैसे किसी का फेस टू फेस इंटरव्यू करते हो, कैसे इंटरव्यू करते हो, या तो आप डायरेक्टली फेस टू फेस बातें करते हो, वो आपसे क्वेश्चन करता है, इंटरव्यूअर जो इंटरव्यूवी होता है वो आपसे क्वेश्चन करते हो और आप यहाँ से क्या करते हो, जवाब देते हो, तो वो फेस टू फेस इंटरेक्शन हुई, फेस टू फेस इंटरव्यू हुआ। दूसरा ये है मेल के थ्रू या स्पीड पोस्ट के थ्रू लिस्ट ऑफ क्वेश्चन भेज दिया गया, तो वहां से वो मेल के थ्रू ही आपको वापस क्या करेगा, आंसर रेस्पॉन्सेज देगा, तो वो होता है क्वेश्चनियर। ये भी सर्वे में आता है, इंटरव्यू भी सर्वे में आता है, ऑब्जर्वेशन भी सर्वे में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब केमिस्ट्री लैब में जाते हो तो वहां पर आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्व करते हो, कुछ बिल्कुल केमिस्ट्री लैब में बिल्कुल उन बीकर्स जो बीकर्स में से केमिकल्स को मिलाते हो, सॉल्यूशंस को आपस में मिलाते हैं, उनको टच भी करते हैं, बिल्कुल करीब होते हैं, तो जो वो टच भी करते हैं और करीब भी होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो नज़दीक से देखते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो डिस्टेंस से देखते हैं, तो वो डिस्टेंस से ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन में दोनों आते हैं, पार्टिसिपेंट वाले भी और जो दूर रहे हैं दूर से देखने वाले, उनको नॉन पार्टिसिपेंट हम कहते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन में दोनों चीज़ें आते हैं। तो स्टैटिस्टिकल सर्वे में इंटरव्यू भी आता है, इसमें क्वेश्चनर भी आता है, इसमें ऑब्जर्वेशन भी आता है कि किस हद तक, फॉर एग्जाम्पल आप सर्वे करोगे कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर में जो नई स्कीम लाई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई है, ये किस हद तक सक्सेसफुल हुई है। आप इसके रिलेटेड हर एक गांव जाएंगे, अपने एरिया में जाएंगे, एजुकेटेड यूथ से आप बात करेंगे, एम्प्लॉय से आप बात करेंगे कि किस हद तक ये पॉलिसी सक्सेसफुल रहेगी, या ये ठीक हुआ या ये अच्छा नहीं हुआ, तो नतीजे क्या रहेंगे, इस पे किस पे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, किस पे ज़्यादा मुझे असर इसका इस पॉलिसी का पड़ेगा। या आप सर्वे करोगे, तो जब आप ये सर्वे करोगे दैट मीन्स इस पॉलिसी के रिलेटेड आपने इंटरव्यू किया, इस पॉलिसी के रिलेटेड आपने क्वेश्चनियर किए, क्वेश्चन पोज किए, इस पॉलिसी के रिलेटेड आपने लोगों की व्यू ऑब्जर्व की, इसके अलावा इसमें आप सेकेंडरी डाटा भी देखेंगे। तो जो आपने सर्वेज किए, इंटरव्यू किए, वो प्राइमरी डाटा है, ओरिजिनल डाटा, और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा, जो आप इस पॉलिसी के रिलेटेड न्यूज़पेपर्स में देखेंगे, जो आप इस पॉलिसी के रिलेटेड बुक से देखेंगे, जो आप इस पॉलिसी के रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल्स, मैगजीन्स या जर्नल्स में देखेंगे, वो होता है सेकेंडरी डाटा। लेकिन जो आपने सर्वे किया, चाहे वो क्वेश्चनियर किया, इंटरव्यू किया, मेल के थ्रू क्वेश्चन आंसर्स देखे, या आपने ऑब्जर्वेशन की, वो प्राइमरी डाटा होता है, ओरिजिनल डाटा होता है, और इसमें आप स्टैटिस्टिकल सर्वे में सेकेंडरी डाटा भी आता है। तो सेकेंडरी डाटा आपने बुक से देखा, वो आपने मैगजीन से देखा, वो आपने इंटरनेट से देखा। तो ये होते हैं मेथड्स ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन, उसके बाद ये जो पॉलिसीज होती हैं जिनको आप इवैल्यूएट करते हो, इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर वन चैलेंजेस, वेगली डिफाइंड प्रॉब्लम्स, मतलब अनक्लियर प्रॉब्लम्स। वेगली डिफाइंड प्रॉब्लम में आती है अनक्लियर प्रॉब्लम्स, और या इसमें आते हैं अनक्लियर प्रॉब्लम्स के साथ साथ हम कह सकते हैं पुअरली डिफाइंड प्रॉब्लम्स, जो बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे। तो पुअरली डिफाइंड प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें, वेगली डिफाइंड प्रॉब्लम्स एक चैलेंज आता है पब्लिक पॉलिसी इवैल्यूएशन में। दूसरा आता है इसमें मल्टीपल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एक पॉलिसी को फॉलो करने के लिए आपके अगर मल्टीपल गोल्स रहे तो आपको बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, तो मल्टीपल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी इसमें चैलेंज रहता है। तीसरा चैलेंज इसमें रहता है लिमिटेड टाइम स्पैन। आपने मुकर्रर वक्त में एक पॉलिसी को फॉलो करना है और टारगेट अचीव करना है, तो लिमिटेड टाइम स्पैन इसमें रहेगा, वो भी आपके लिए एक चैलेंज है। रिसोर्स क्रंच, क्या आपके रिसोर्स आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं, वो भी आपके लिए एक चैलेंज है। कॉम्पिटेंसी लेवल,
दूसरे ग्रुप्स ने फॉलो की वो पॉलिसी, उन्होंने टारगेट्स अचीव किए, अब आप पे निगाहें हैं, आप इसको अचीव कर पाते हो या नहीं कर पाते हो विद इन लिमिटेड टाइम स्पेन। टेम्पोरल डायमेंशन से देखा जाएगा कि आपने विद इन गिवन टाइम आपने इसको अचीव किया या नहीं। तो कॉम्पिटेंसी लेवल भी हाई है और स्किल, आप कितने कितने स्किलफुल पर्सन आपके पास है, कौन से एक्सपर्ट्स आपके पास है, तो आपकी पॉलिसी उस पर भी डिपेंड है। तो ये भी यहाँ पर एक चैलेंज रहता है एक पॉलिसी को इवेलुएट करने में। इसके अलावा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा, आपके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या डाटा होता है या नहीं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा। इसके अलावा इसमें एक चैलेंज ये भी रहता है बायसनेस, बायसनेस या पार्टीसन। तो बायसनेस भी यहाँ पर एक चैलेंज रहता है, चाहे वो पोलिटिकली बायस्ड लोग होते हैं। तो बायसनेस किसी, अगर आपने टारगेट अचीव करना था लेकिन आप किसी और की जानिब बायस हो रहे हो, किसी और की जानिब बायस हो रहे हो, तो बायसनेस, चाहे बायसनेस की बात हो, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या डाटा की बात हो, कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स या मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स की बात हो, पोअरली डिफाइंड प्रॉब्लम्स की बात हो, ये सारे आते हैं चैलेंजेस ऑफ चैलेंजेस इन पॉलिसी इवेल्युएशन, चैलेंजेस इन पब्लिक पॉलिसी इवेल्युएशन। टू सम अप वी कैन से जो मेजरमेंट या एनालिसिस ऑफ आउटपुट है, आउटकम है, यूटिलिटी या इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी है, वो आता है पॉलिसी इवेल्युएशन में, या जो इवेल्युएशन, जो इवेल्युएशन की जाती है, इवेल्युएशन में भी डन इंटरनली बाय एग्जीक्यूटिव्स, बाय लेजिस्लेचर्स, बाय एक्सपर्ट्स, बाय कमिश्नर्स, मीडिया, एनजीओ एंड एजेंसीज, तो उनके थ्रू इवेल्युएशन होती है। जो आउटपुट, आउटकम, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होते हैं, स्टैटिस्टिकल सर्वेज होते हैं, वो होते हैं मेन मेथड्स ऑफ पॉलिसी इवेल्युएशन, वो होते हैं मेन मेथड्स ऑफ पॉलिसी इवेल्युएशन। इसके अलावा जो पुअरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स है या प्रॉब्लम्स है, पोअरली डिफाइंड प्रॉब्लम्स, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा, बायसनेस, वो होते हैं मेजर प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस इन पॉलिसी इवेल्युएशन। तो पॉलिसी इवेल्युएशन के बाद रहता है रोल ऑफ एनजीओस। एनजीओ स्टैंड्स फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। जो एनजीओस होते हैं, या ये तो, या तो ये इनमें क्या होता है, ये कभी कभार सेमी गवर्नमेंट भी होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल भी रहते हैं। दैट मीन्स जब ये सेमी गवर्नमेंट है, दैट मीन्स इनको गवर्नमेंट भी एड करती है और खुद ये अपना भी कुछ निकालते हैं, कुछ पैसे निकालते हैं। या ये एनजीओज ये भी होते हैं, बहुत अमीर लोग भी होते हैं, या जिनमें अंदर ये होती है कॉन्शियसनेस, इनर कॉन्शियस जिनका होता है, या जो वॉलंटियर्स होते हैं, अगर उनके पास ह्यूज अमाउंट्स होते हैं, या गैदर वो करते हैं, पब्लिक से ही लेते हैं, एम्प्लॉई से वो लेते हैं, गवर्नमेंट से नहीं लेते हैं, तो वो भी एनजीओज में आ जाते हैं। और जहाँ तक इंडिया की बात है, तो इंटरनेशनल एनजीओज की अगर बात करेंगे, चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या ह्यूमन राइट्स वॉच हो, वो इंटरनेशनल एनजीओज है। हेलसिंकी वॉच जिसको पहले कहा जाता था, अब उसको ह्यूमन राइट्स वॉच कहा जाता है, या एमनेस्टी इंटरनेशनल है, वो इंटरनेशनल एनजीओज है। लेकिन अगर हम इंडियन लेवल पर इंडियन एनजीओज को देखेंगे, तो इंडिया में तकरीबन 3.4 मिलियन एनजीओज है, जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम करते हैं, डिफरेंट फील्ड्स में वो काम करते हैं। और जो एनजीओज का रोल रहता है, फॉर एग्जांपल, इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन पब्लिक एंड द गवर्नमेंट, इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन पब्लिक एंड द गवर्नमेंट, गैप को कम करना है बिटवीन पब्लिक एंड द गवर्नमेंट। हाउ? दे ट्राई टू फिल द गैप इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड रीच आउट टू द सेक्शंस ऑफ द पीपल। एनजीओज कोशिश करते हैं कि हम वहां तक पहुंच जाए जहां तक गवर्नमेंट नहीं पहुंची हो, ऑफन लेफ्ट आउट बाय द अथॉरिटीज और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जिन लोगों तक नहीं पहुंच जाते हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स या पॉलिसी जिन लोगों तक नहीं पहुंच जाते हैं, वहां एनजीओज रोल करते हैं, वहां एनजीओज का कंट्रीब्यूशन रहता है इन लोगों तक पहुंचना। तो जहां गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती है, वहां एनजीओज कोशिश करते हैं कि वो पहुंच जाए, वो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए वहां पर काम करें, ह्यूमैनिटेरियन एड वो वहां पर करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन काज के लिए वो खड़े हो जाते हैं वहां पे, लाइक प्रोवाइडिंग एड टू माइग्रेंट वर्कर्स। जैसे कोविड जो ही नमूदार हुआ था लास्ट ईयर बिगिनिंग मार्च अप्रैल, तो आपने लेबरर्स, माइग्रेंट वर्कर्स या लेबरर्स का देखा था हाल, चाहे वो बिहार के थे, यूपी के थे, जो दिल्ली से फिर पैदल जाते थे साइकिल पे, या कितने दिन उनको लगे। तो उनको बाय प्रोवाइडिंग एड टू दोज वेरी माइग्रेंट वर्कर्स ड्यूरिंग पैंडेमिक, दैट वाज आल्सो द रोल प्लेड बाय द एनजीओज। तो गवर्नमेंट की बात अलग है, लेकिन एनजीओज का रोल भी वहां पर रहता है साइड बाय साइड, एंड आल्सो दे आर एंगेज्ड इन डाइवर्स एक्ट्स। इसके अलावा कुछ डाइवर्स एक्टिविटीज़ है जिनमें एनजीओज का रोल रहता है, फॉर एग्जांपल अगर हम डाइवर्स एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, उसमें ह्यूमन राइट्स काज के लिए खड़े रहते हैं, जेंडर इश्यूज़ के लिए खड़े रहते हैं, चाहे वो फेमिनिस्ट इश्यूज़ है, पैट्रियार्की डोमिनेंस है, इन सब चीज़ों के लिए एनजीओज का रोल रहता है, एनवायरमेंट अवेयरनेस के रिलेटेड रहता है, या प्रोवाइडिंग एजुकेशन, या बिल्डिंग हाउसेज फॉर द विडोज, या प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द पुअर, या प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू द नीडी। ये सारी चीज़ें रहती है जहाँ एनजीओज अपना रोल
निभाते हैं। इसके अलावा जो बिगर एनजीओस होते हैं दे आर हैविंग एक्सेस टू फॉरेन फंडिंग, उनको फॉरेन से भी फंडिंग मिलती है। जो बड़े बड़े एनजीओस होते हैं उनको इंटरनेशनल एजेंसीज भी एड करती हैं, कुछ कंट्रीज से वॉलंटियर्स भी उनको एड करते हैं, एंड दे प्ले रोल्स एज एन एनेबलर्स फॉर ब्रिंगिंग चेंजेस इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड या ग्राउंड रियलिटी में वो चेंज तब्दीली लाते हैं, चाहे वो किसी का घर बनाना हो, चाहे वो कहीं पर हॉस्पिटल या कहीं पर स्कूल कॉलेज या पब्लिक पार्क कंस्ट्रक्ट या एस्टेब्लिश करनी हो, तो वहां पर भी एनजीओस का रोल रहता है। एट टाइम्स जो एनजीओस होते हैं दे आर एक्टिंग एज प्रेशर ग्रुप्स, ये कभी कभार प्रेशर ग्रुप्स एक्ट करते हैं सो दैट टू मोबिलाइज पीपल, सो दैट टू माउल्ड पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट पर्टिकुलर पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट, अगेंस्ट पर्टिकुलर पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट। तो जब ये लोगों को पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर में करते हैं दैट मीन्स दे आर एक्टिंग दैट टाइम एज प्रेशर ग्रुप्स and molding public opinion in their favor against a particular government policy, against a particular government policy. तो वहाँ पर एक रोल रहता है एनजीओ का एज ए प्रेशर ग्रुप। एंड ऑल्सो जो एनजीओ होते हैं दे आर हैविंग अ मेजर रोल इन पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस में भी इनका एक बड़ा अहम किरदार रहता है, एंड हैव कंट्रीब्यूटेड टू सम ऑफ द इनक्रेडिबल लॉज, बहुत सारे इनक्रेडिबल जो इंपॉर्टेंट लॉज लेजिस्लेट हुए हैं इंडिया में, वहाँ एनजीओज का रोल रहा है। जैसे राइट टू एजुकेशन की अगर बात करेंगे, या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की बात करेंगे, या अगर हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात करेंगे, तो वहाँ पर भी पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस में अगर हम कहेंगे तो ये एक्ट्स आते हैं, और यहाँ पर एनजीओज का अहम रोल रहा है। इसके अलावा रोल एज सोशल मेडिएटर, सोशल मेडिएटर का भी रोल निभाते हैं एनजीओज। पीपल विद इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट जो है, अगर हम सब कॉन्टिनेंट में देखेंगे, इंडो पाकिस्तान की बात करेंगे या इन पर्टिकुलर इंडिया की बात करेंगे, तो पीपल विद इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट आर स्टिल स्टीप्ड इन कस्टम्स ट्रेडिशंस एंड सुपरस्टिशंस एंड सुपरस्टिशंस। एनजीओज एक्ट एज कैटलिस्ट्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। तो ये सारे जो रोल्स हैं ये एनजीओज के रहते हैं। और जहां तक अगर हम इंडियन एनजीओज की बात करेंगे, फ्यू इंडियन एनजीओज इंक्लूड, चाहे वो स्माइल फाउंडेशन की बात हो, वो गूंज है, तो स्माइल फाउंडेशन एक एनजीओ है इंडिया की, गूंज एक और फाउंडेशन है, ये एनजीओ है इंडिया की, केयर इंडिया, केयर इंडिया एक और एनजीओ है इंडिया की, क्राई, सी आर वाई क्राई, क्राई स्टैंड फॉर चाइल्ड राइट्स एंड यू, चाइल्ड राइट्स एंड यू, क्राई ये भी एनजीओ है इंडिया की, प्रथम एक और इंडिया है, ये एनजीओ है इंडिया की। तो प्रथम, क्राई, केयर इंडिया, गूंज, स्माइल फाउंडेशन एटसेट्रा, ये सारे एनजीओज है इंडिया की। इसके अलावा बहुत सारे एनजीओज है, जैसे मैंने बता दिया 3.4 मिलियन एनजीओज आर देयर इन इंडिया, और बाकी जो एनजीओज है इंटरनेशनल लेवल पे है, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या ह्यूमन राइट्स वॉच हो, ये सारी एनजीओज है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो दिस वाज ऑल अबाउट, चाहे वो पब्लिक पॉलिसी विद इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात हो, उसके एवल्यूशन इंप्लीमेंटेशन में डिफरेंट सेक्टर्स हमने देखे, इसके अलावा हमने रोला एनजीओज भी देखा, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक।